भारत के गवर्नमेंट की रचना पे भरोसा करना, ये इसमें से अनुभव होता है और आज हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर के संबंध में मैंने पिछले सत्र में विस्तार से बात कही थी, लेकिन आज मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई है। मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 एफआईआर की गई है, 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई हैं और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। आदरणीय सभापति, केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ करके इन ताने बाने को गूंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृहमंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही, लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी जिसका जिसका इन काम से संबंध है, वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं, लगातार वहां संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है। आदरणीय सभापति जी, इस समय मणिपुर में बाढ़ का भी संकट चल रहा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर के पूरा सहयोग कर रही है। आज ही एनडीआरएफ की दो टीमें वहां पहुंची है, यानी कि प्राकृतिक मुसीबत में भी केंद्र और राज्य मिलकर के मणिपुर की चिंता कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हम सभी को राजनीति से ऊपर उठ करके वहां की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को। आदरणीय सभापति जी, जो लोग मणिपुर के इतिहास को जानते हैं, मणिपुर की घटनाक्रम को जानते हैं, उनको पता है कि वहां का सामाजिक संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। उस संघर्ष की मानसिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और कांग्रेस के लोग ये न भूले कि मणिपुर में इन्हीं कारणों से 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। इतने छोटे से राज्य में
दस बार प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है, कुछ तो मुसीबतें होगी और ये हमारे कालखंड में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वहां पर जिस प्रकार की हरकतें हो रही है।